सीबीआई ने अंग्रेजी अखबार द क्रॉनिकल के चेयरमैन टी वेंकट राम रेड्डी को हफ्ते के रोज गिरफ्तार कर लिया। वेंकट राम रेड्डी पर धोखा देकर बैंकों से कर्ज हासिल करने का इल्जाम है। वेंकट राम रेड्डी पर मुख्तलिफ बैंकों को धोखा देकर कर्ज हासिल करने का इल्जाम है। जराये के मुताबिक सीबीआई ओहदेदारों ने वेंकट राम रेड्डी से कैनरा बैंक और दूसरे बैंकों से कर्ज लेने के मामले में तफ्तीश की। वेंकट राम रेड्डी का उस्मानिया अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया। वेंकट राम रेड्डी पर इल्जाम है कि इन्होंने मुख्तलिफ बैंकों में जाली डॉक्यूमेंट दाखिल करके कर्ज हासिल किए थे। वेंकट राम रेड्डी पर सन 2009 से 2011 के दौरान 1250 से 2000 करोड़ का कर्ज मुख्तलिफ बैंकों से धोखा देकर हासिल करने का इल्ज़ाम है। इन पर केनरा बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और एक्सिस के अलावा दूसरे बैंकों से कर्ज हासिल करने का इल्ज़ाम है। वेंकट राम रेड्डी पर जाली सर्टिफिकेट, जाली शेयर्स और जाली बैलेंस शीट पेश करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सीबीआई ने वेंकट राम रेड्डी पर धोखादेही, साजिश और फ्रॉड के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। वो आईपीएल के दक्कन चार्जर टीम के मालिक भी थे। हैदराबाद न्यूज़ urdu.com। भाई जरा कैमरा वगैरह।